लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लगातार तीसरी बार दिल्ली की सभी 7 सीटों पर भाजपा को जीत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए दिल्लीवासी एक बार फिर से भाजपा के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली में बीजेपी की बंपर जीत के पीछे की वजह क्या है, कैसे आम आदमी पार्टी इन 7 सीटों पर सपाचट हो गई। दरअसल इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ आमने सामने की लड़ाई में भाजपा की जीत का प्रमुख कारण दिल्ली में मोदी सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्य, मोदी की लोकप्रियता और भाजपा का मजबूत संगठन है। राजधानी में आवागमन सुगम करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न व वेस्टर्न पेरिफेरल, द्वारका एक्सप्रेसवे, प्रगति मैदान सुरंग सड़क सहित कई सड़कों का निर्माण कराया है। साथ ही मेट्रो के निर्माण कार्य में तेजी आई है। नमो ट्रेन NCR की नई पहचान बन गई। वहीं वायु प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र द्वारा दिल्ली को इलेक्ट्रिक बसें दी गईं। G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन और उस समय हुए विकास कार्यों का असर भी लोकसभा चुनाव में दिखा। पीएम मोदी ने अपनी चुनावी सभाओं में भी इन कार्यों को गिनाकर मजबूत राष्ट्र व भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा था। पिछले साल मई से जून में मोदी सरकार की उपलब्धियों को प्रचारित करने के लिए अभियान भी चला और उसके बाद लाभार्थियों को जोड़ने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया। चुनाव व प्रत्याशियों की घोषणा से पहले ही पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा प्रभारियों को तैनाती व चुनाव प्रबंधन समितियों की घोषणा कर तैयारी भी शुरू कर दी थी। वहीं अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण, कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, विश्व में भारत की मजबूत छवि सहित मोदी सरकार की अन्य उपलब्धियों को भाजपा के स्टार प्रचारकों प्रत्याशियों ने प्रमुखता से उठाया। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी हुई आम आदमी पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को पार्टी ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। आप व कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ने पर प्रश्न भी खड़े करते हुए बीजेपी नेताओं ने इसे भ्रष्टाचारियों का गठबंधन भी बताया। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट, जिसके आरोप में केजरीवाल के निजी सहायक वैभव कुमार की गिरफ्तारी का मामला भी बीजेपी नेताओं ने खूब उछाला। प्रचार के अंतिम दिनों में ये मुद्दे अधिक हावी रहे। तो यही सब मुद्दे थे जिनकी वजह से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की 7 सीटों पर अपना कमल खिलाया है और आम आदमी पार्टी को सपाचट कर दिया है।